पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओए होए, कहते सारा दिन में करोड़ों जीव मार कर शाम को विश्राम लेते हो, तुम अपने धंधे के लिए भी काम करते हो। अपनात्मा, आपके मन में एक शंका उत्पन्न होएगी कि भी जैसे पोचा तो हम भी लगाते हैं, और आजकल तो पोचा भी एक दूसरे स्टैंडर्ड का हो गया, वो उस तरह लगाते हैं, वो फिलाइन फिनाइल फिनोल छिड़क छिड़क कर या वैसे पोचा मारते हैं, तो उसमें भी जीव हंसा होती है। अब शंका होगी कि ये तो हमारे को भी पाप लगेंगे। तो यहीं इसमें, इस भक्ति में और आज तक हम सुनते करते आ रहे थे उस भक्ति में दिन और रात का अंतर है। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र प्रतिदिन मैले भी होते हैं, प्रतिदिन इनको हम साबुन और जल से धो लेते हैं, ये उज्जवल रहते हैं। ऐसे ही जिनको साबुन और जल का अभाव होता है, उनके कपड़े ऐसे हो जाते हैं मैल में ग्रस्त, कपड़े का रंग भी दिखाई नहीं देता, ये सफेद हैं या काले। तो पुण्यात्माओं, ये जो मंत्र आपको मिला है, सतनाम जो जाप है, ये समझ लो आपको डिजर्टेंट वो साबुन मिल गया, और जल सत्संग रूपी जल और सतनाम रूपी साबुन आपको मिल गया। आप जान कर नहीं करना पाप, जान के पाप कौन सा है, मुर्गे खाना, बकरे काटना है, या जानबूझ कर कीड़े मकोड़ों के ऊपर का चाल है, नहीं, उनसे बचने की चेष्टा करें जहां भी कोई जीव जंतु आगे हो, और जैसे आपके रास्ते पर ही हैं और आपको नीचे रास्ता बदलने का कोई स्थान नहीं है, तो आप दोषी नहीं है। आप चेष्टा करिए वहां भी पैर को बचा बचो कर उससे निकल कर आगे ठीक हो जाएं, और उस दौरान कोई मरता, आप दोषी नहीं। फिर भी आप जैसे हलाई खेत में हल जोतता है, मजदूर कसी से जमीन काटता, उसके साथ वो कट जाते हैं, आपका वहां काटना उद्देश्य नहीं है, लेकिन पहले वाले विधान से आपको दोनों भोगने पड़ेंगे। और इस परमात्मा के विधान में लिखा है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, और कह कबीरदास का फिर पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारना, अनजानपने में कोई ऐसे, जैसे हम जो कर्म हमारे हैं स्वाभाविक कर्म, उनको करते करते कोई हिंसा होती है, तो वो हमारा पाप लगेंगे नहीं, क्योंकि हम इस परमात्मा के शरण में आ गए। और फिर जो पाप हमारे अन्य जो लगते होते हैं हमसे, वो फिर इस सतनाम से नष्ट हो जाएंगे, संचित कर्म भी हमारे इस मंत्र से नष्ट हो जाएंगे, और प्रारब्ध के आने वाले दुखदायी कर्म भी हमारे इस प्रारब्ध रूपी फसल में वो खरपतवार ऐसी तरह जल जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य से इस बचेंगे। अब आप जी को ये शंका हुई कि हम भी पोचा लगाते हैं, इनमें भी पाप होते हैं, नहीं, इस सतनाम के जाप से, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य वो मारना नहीं है, हमने अपने उस स्थान को पवित्र रखना, नहीं तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो ये पाप पहले तो लगने थे, अब नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए बताता हूं कि जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाने का प्रमाण पत्र लाइसेंस है, और वो सड़क पर जा रहा है, उससे कोई इत्तफाक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो सबसे पहले पुलिस आकर के ये देखती है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि उसके पास प्रमाणित ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 90% दोषी नहीं है, 10% फिर किन परिस्थितियों में ऐसा घटना घटी है, कोई गाड़ी में दिक्कत आई है या इसने लापरवाही करी है, वो अलग बात है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, वो सीधा जेल जाता है, उसका कोई विकल्प नहीं। तो ये जो दास आपको मंत्र दे रहा है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, इस पृथ्वी पर आपको रहने और करने के नियम और विधि बताई जाती है। तो जिसके पास ये मंत्र है उससे फिर ये हिंसाएं होती हैं, उनका करना उद्देश्य नहीं। तो उस लाइसेंस जिसके पास, ये मंत्र जिसके पास इस दास से उपलब्ध है, उस पर वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसके पास ये प्रमाण पत्र है कि भक्त है, और भक्त कभी जान के मारा नहीं करते। और इस प्रकार आप उन कष्टों से, उन पापों से बचोगे, और आपके पुण्य प्रफुल्लित हो जाएंगे, सतलोक जाओगे। बोलो सतगुरुदेव, जय हो।